हीट कैपेसिटी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट कैपेसिटी सी है, इन्हें बोलते हैं उष्माधारिता, उष्माधारिता। देखो ध्यान देना, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो ध्यान देना। देखो यदि हमें किसी कंपाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, यदि हमें किसी कंपाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, उसी को उस कंपाउंड के हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, जैसे सपोज करो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, मान लो इसके अंदर 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 26 डिग्री सेल्सियस करना है, हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, वो इस वाटर की हीट कैपेसिटी होगी। अगर इसमें बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर नहीं हो बल्कि 10 लीटर वाटर है, अब आप इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो आपको ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ ही आवश्यक जो हीट है, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए आवश्यक है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब है हीट कैपेसिटी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, मतलब हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। समझ में आ रहा है ना, तो इसमें लिखना, देखो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई वन डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है सबको यहां पर, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, देखो द अमाउंट ऑफ हीट डेट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट हीट कैपेसिटी कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, इधर देखना, जे सपोज करो कि ये मटेरियल है, यहां पर वाटर भरा हुआ है, जो भी है, इसका टेम्परेचर, इसको आपने DQ हीट दी, इस लिक्विड को, इस वाटर को आपने कितने हीट दी, DQ हीट देने से इसका टेम्परेचर DT डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है या DT केल्विन बढ़ जाता है। देखो डिफरेंस है, टेम्परेचर राइज हो रहा है 25 से 26, 25 का मतलब केल्विन में 298 केल्विन हो गया, 26 का मतलब 299 केल्विन हो गया, तो टेम्परेचर 298 केल्विन से बढ़ाकर 299 कर दे, 1 केल्विन ही तो बढ़ाए। तो जब डिफरेंस की बात करते हैं तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है। तो जब किसी कंपाउंड को DQ हीट देने पर उसका टेम्परेचर DT डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, इसके लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी। तो देखो ध्यान देना, एक मिनट, देखो समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमें करना क्या है कि देखो ध्यान देना, DQ हीट देने से टेम्परेचर कितना बढ़ा, DT डिग्री सेल्सियस। या मैं यू कर सकता हूं कि DT डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट क्या हो सकता है, DQ हीट की, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट क्या हो सकता होगी, DQ/DT। यही तो हीट कैपेसिटी है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी सी इक्वल DQ/DT, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, इसको नोट करना। देखो तो देखो यहाँ पर DQ क्या है, DQ हीट की वो क्वांटिटी है जिसको देने पर कंपाउंड का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, DT डिग्री सेल्सियस। तो देखो DQ इक्वल
heat which is required to increase the temperature of system, the temperature of compound by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by dT degree Celsius or dT Kelvin. तो देखो डी क्यू क्या है, हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपाउंड बाय डीटी डिग्री सेल्सियस और डीटी केल्विन। जब आप कंपाउंड को डी क्यू हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, डीटी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है आपको तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, डी क्यू बाई डीटी, तो हीट कैपेसिटी हो गई है। देखो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमको पता है कि अगर आपने कम क्वांटिटी ली सब्सटेंस की तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कम हीट की आवश्यकता है, और ज्यादा क्वांटिटी ली तो ज्यादा हीट की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो कुल मिलाकर हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी सी इक्वल क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो डी क्यू हीट है, हीट की यूनिट क्या होगी, जूल केल्विन किलो कैलोरी, है ना, सॉरी जूल कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल एटसेट्रा, यही हो गया ना। तो यहां पर मैं जूल मान लू, और देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, डिफरेंस में जब आप लोगे तो चाहे डिग्री सेल्सियस लो चाहे केल्विन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो अपन को केल्विन ही रखना पड़ता, लेकिन अभी क्या है डिफरेंस है तो आप केल्विन रखो चाहे डिग्री सेल्सियस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन यहां पर भी केल्विन कर देते हैं। तो देखो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो गई, देखो जोल केल्विन इनवर्स, आप ये भी कर सकते हो जो है जोल डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर सकते हो। रीजन क्या है कि डिफरेंस के फॉर्म में केल्विन भी ले सकते हो आप, डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। अब देखो अदर यूनिट की बात करें तो जूल एनर्जी की यूनिट है, तो आप यहाँ पर कोई से भी टर्म काम में ले सकते हो, किलो जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, किलो कैलोरी हो सकता है एटसेट्रा। समझ में आ रहा है वो? तो आप जो यूनिट लोगे उसके अकॉर्डिंग आगे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? देखो जिस कंपाउंड की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिस कंपाउंड, देखो हीट कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसके लिए डीटी तो कम हो डीक्यू बहुत ज्यादा हो, तभी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी ना। ज्यादा कब आएगा, जब डीक्यू ज्यादा हो डीटी कम हो। इसका मतलब है किसी कंपाउंड को बहुत सारी हीट दे दी उसके बावजूद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, मतलब हीट तो अपन ने बहुत सारी दी लेकिन टेम्परेचर में थोड़ा बहुत ही चेंजेज हुआ, तब हीट कैपेसिटी ज्यादा आएगी। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, वाटर हो गया, जिसको अपन जानते भी अच्छी तरह से। देखो ध्यान देना, वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। हाँ देखो वाटर का टेम्परेचर अगर आपको थोड़ा सा भी बढ़ाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके जस्ट अपोजिट अगर वाटर बहुत सारी हीट रिलीज भी कर दे तब भी इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत ही कम होता है। देखो इसको आप ऐसे समझो, गर्मियों के दिनों में छत पर रखी हुई टंकी का पानी गर्म हो जाता है ना, वो गर्म हो गया दिन भर में, अब पूरी रात निकल गई उसके बावजूद जब आप सुबह देखोगे मॉर्निंग में तब भी आपको गर्म मिलता है। आप देखो रात भर के अंदर उसने कितनी हीट रिलीज कर दी होगी उसके बावजूद भी ठंडा नहीं हुआ। तो आप देखो जैसे पूरे दिन के अंदर उसका टेम्परेचर कितना मैक्सिमम हुआ होगा, आप खुद अंदाजा लगाओ। नॉर्मल टेम्परेचर हम मान लेते हैं 25 डिग्री के आसपास, पूरे दिन में गर्म होकर जैसे मैंने रूम टेम्परेचर मान लिया गर्मियों के दिनों में 45 डिग्री मान लो, तो अब 25 से केवल 45 तक ही गर्म हुआ होगा, उससे ज्यादा थोड़ी होगा गर्म। इसका मतलब उसका टेम्परेचर केवल कितना सा राइज हुआ, 25 से 45, मात्र 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज हुआ, केवल इतना सा टेम्परेचर राइज हुआ और वो पूरी रात के अंदर भी ठंडा नहीं हो रहा।
जबकि पूरी रात उसने हीट इमिट की, हीट का उत्सर्जन किया, उसके बावजूद भी वो कंप्लीट ठंडा नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगाओ हीट कैपेसिटी कितनी ज्यादा, ठीक है ना। आप देखो कंपेयर करना कि एक बीकर के अंदर आपने गर्म उबला हुआ पानी डाल दिया, एक बीकर के अंदर आपने उबला हुआ दूध, प्योर दूध डाल दिया, मिल्क, ठीक है ना। दोनों को साथ साथ रख दो, दूध अगर प्योर है तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको ठंडा होने में, लेकिन पानी आप देखो उसको ठंडा होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, काफी लंबे समय तक वो गर्म रहेगा। रीजन वही है, दूध की हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में काफी कम है, ठीक है ना। इसलिए मिल्क क्या होगा, थोड़ी सी हीट रिलीज करेगा, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। लेकिन वाटर में थोड़ी बहुत हीट रिलीज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेम्परेचर नाम मात्र का डिक्रीज होता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, जिस कंपाउंड की हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसको काफी ज्यादा हीट देने पर भी उसका टेम्परेचर बहुत कम राइज होता है, और वो काफी ज्यादा हीट रिलीज कर देता है, उसके बावजूद भी उसका टेम्परेचर काफी कम डिक्रीज होता है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, तो मेरे हिसाब से हीट कैपेसिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो समझना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। सबसे पहले अपन ने हीट कैपेसिटी की बात करी। हीट कैपेसिटी में क्या बोला हमने कि किसी कंपाउंड का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसकी हीट कैपेसिटी होती है। वहां पर क्वांटिटी को अपन ने फिक्स नहीं किया है कि आपने बीकर के अंदर 1 ग्राम लिया, 1000 ग्राम लिया, या आपने 10,000 ग्राम लिया, किलोग्राम लिया, कोई फिक्स नहीं। एक बीकर के अंदर आप 100 ml वाटर लो या 1 किलोग्राम लो, समझ में आ रहा है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता है, मतलब हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में हमने क्या क्वांटिटी फिक्स कर दी, किसी कंपाउंड के 1 ग्राम का टेम्परेचर, ध्यान देना, किसी कंपाउंड के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ध्यान देना क्या बोला, किसी कंपाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वो उसके क्या होते है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो देखो मैं इसी डेफिनेशन में चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीएस से, समझ में आ रहा है। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी सेम ही होगा, वही सीएस इक्वल डी क्यू अपॉन डीटी। 1 ग्राम किसी सब्सटेंस को डीक्यू, किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को डीक्यू हीट देने से उसका टेम्परेचर डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो कुल मिला के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट होगी डीक्यू बाई डीटी इक्वल सी। बस यहां पर कंडीशन क्या, यहां पर अपने क्वांटिटी फिक्स कर दी। पहले डीक्यू क्या था, पहले डीक्यू था सब्सटेंस का टेम्परेचर डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट, वो डीक्यू था। अब हमने क्या कर दिया, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डीक्यू, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट डीक्यू है। यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स कर दिया, डीक्यू क्या होगा, हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड बाई डीटी डिग्री सेल्सियस और डीटी केल्विन, समझ में आ रहा है। तो देखो हीट कैपेसिटी अब एक्सटेंसिव नहीं बल्कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यूनिटी के फॉर्म में आ गया ना, यूनिट के फॉर्म में आ गए। यहां पर 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने, जैसे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हो तो 1 ग्राम ऑटोमेटिक फिक्स हो गया, ठीक है ना। यहां पर आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि 10 ग्राम का 20 ग्राम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है, इसका मतलब वो 1 ग्राम की है, इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव
प्रॉपर्टी। तो देखो हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यूनिट ऑफ, देखो ये कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, तो देखो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एफ ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बात ध्यान देना, इसको हम इस तरह से देखते हैं। देखो डब्लू ग्राम सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी है, सी है भाई, क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कितनी भी क्वांटिटी हो, जो भी क्वांटिटी हो इसको कितना मान लिया डब्लू ग्राम। अब डब्लू ग्राम की जो हीट कैपेसिटी वो केवल हीट कैपेसिटी है ठीक है। तो डब्लू ग्राम का टेम्परेचर अगर आपको ध्यान देना, डब्लू ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक हीट कितने है, देखियो डब्लू ग्राम का, तो ये तो हीट कैपेसिटी हो गई। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए तो ये डब्लू ग्राम की जगह वन ग्राम का होगा, तो डब्लू ग्राम के लिए इतनी है तो वन ग्राम के लिए कितने हो गए, आप क्या डब्लू से डिवाइड कर दो भाई, जैसे ये बोलोगे आपके 10 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी 100 है, 10 ग्राम की हीट कैपेसिटी 100 जूल पर केल्विन आ रही है, तो 1 ग्राम के कितने हो गए, आप क्या करोगे 100/10। तो देखो ये तो हो गया जूल केल्विन इनवर्स, और नीचे भी क्या गया ग्राम, तो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सी एस की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी एस इक्वल होगा देखो सी अपॉन डब्लू, डब्लू ग्राम की हीट कैपेसिटी सी हो गई, तो वन ग्राम की कितने होगी सी बाई डब्लू, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी देखो सी तो क्या हो गया जूल केल्विन इनवर्स, क्योंकि हीट कैपेसिटी है ठीक है ना, और डब्लू क्या हो गया ग्राम, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। आप केल्विन इनवर्स के स्थान पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, तो देखो जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स ग्राम इनवर्स ये होगा, ये याद रखो, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, क्लियर है सबके, ये यहां पर होगा। अब देखो समझ रहा, तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी दे रखी है, आपसे बोल रखा है कि 10 ग्राम सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी इतनी है, तो आप उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आप हीट कैपेसिटी को ग्राम क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपके पास सी एस आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सी एस इक्वल सी बाई डब्लू ठीक है ना। तो देखो सी एस तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है ना, और सी क्या है, सी केवल हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और देखो डब्लू क्या है, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, देखो ग्राम क्वांटिटी, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ग्राम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, समझ में आ रहा है सबको, ये किसी को कोई डाउट है क्या आता है, नहीं क्लियर है सबके, करो नोट इसको। नेक्स्ट है देखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां पर भी सब कुछ सेम है, यहां पर एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी। तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस 1 ग्राम के स्थान पर 1 मोल हो जाएगा, तो यहां पर क्या कर दे, इस ग्राम को हटाकर मोल कर दे, 1 मोल। तो देखो अब डेफिनेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट, देखो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के स्थान पर अब क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी एम से, क्लियर है आता। तो देखो फॉर्मूला तब भी वही होगा, सी एम इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन अब डी क्यू की टर्म, मतलब डी क्यू चेंज हो गया, पहले डी क्यू क्या था, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डी टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट,
अब डी के क्या होगा, वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट। तो देखो बिल्कुल सेम है, डी क्यू इक्वल हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड बाय डीटी डिग्री सेल्सियस और डीटी केल्विन। ठीक है, तो देखिए ये भी तो यूनिट की फॉर्म में आ रही है, एक मोल की है, इसका मतलब ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब देखो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इधर देखो सभी, इधर देखो लिख लेना बाद में ना। देखो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है सीएम इक्वल डी क्यू अपॉन डीटी, लेकिन ध्यान देना ये तो किसके, डी क्यू यहाँ पर वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डीटी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, सी एस इक्वल सी बाई डब्ल्यू, ये एक ग्राम की हीट कैपेसिटी है, ये एक ग्राम की हीट कैपेसिटी। तो देखो मान लो अपन वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, पर वाटर के एक ग्राम की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, सी बाई डब्ल्यू, जो भी होगा वो वैल्यू देख सकते हैं अपन सी बाई डब्ल्यू। तो वाटर के वन ग्राम की हीट कैपेसिटी, अगर वाटर का वन ग्राम लिया तो हीट कैपेसिटी हो गई सी एस इक्वल सी बाई डब्ल्यू ग्राम। अगर आपको वाटर के 18 ग्राम की हीट कैपेसिटी देखनी है तो आप क्या करोगे, वन ग्राम की भाई इतनी है, 18 ग्राम के कितने होगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करोगे सी एस इंटू 18 इक्वल, ऐसा भी कर सकते हो सी बाई डब्ल्यू इंटू 18। अब 18 है क्या, 18 वाटर का मोलर मास है। तो देखो कुल मिलाकर वाटर का 18 ग्राम का मतलब वाटर का एक मोल ले लिया, तो ये वाटर के 18 ग्राम का मतलब है कि वाटर के एक मोल की हीट कैपेसिटी है, और एक मोल की जो हीट कैपेसिटी होगी वही तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको भाई मोलर मास या मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मोलर हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मोलिकुलर वेट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी बाई डब्ल्यू इंटू मोलिकुलर वेट। अब देखो सबको पता है कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल मोल होता है, तो यहां पर उल्टा हो रहा है, मोलिकुलर वेट अपॉन वेट, इसका मतलब वन अपॉन मोल होगा ना। तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं C by N लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप जब जिसकी आवश्यकता है वो ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हीट कैपेसिटी दे रखी है और वेट दे दिया तो आप इसको भी काम में ले सकते हो, हीट कैपेसिटी और मोल दे रखा है, कितने मोल की हीट कैपेसिटी इतनी है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो हीट कैपेसिटी को, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया, जब हमें जिसकी आवश्यकता होगी जैसा डाटा हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम काम में ले सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो डायरेक्ट आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी, समझ में आ रहा है। अब यूनिट क्या होगी इसकी, देखो यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। देखो यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट चाहिए सीएम की, ठीक है ना। तो देखो सीएम इक्वल फॉर्मूला क्या है, ये ले ले, कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते, ये ले ले मैं यहां से। तो देखो सी बाई एन, देखो सी हीट कैपेसिटी है, सी क्या है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स, और ये क्या है, यह मोल है, तो मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हुई, जूल केल्विन इनवर्स मोल, हो गया ना पर मोल, समझ में आ रहा है। आप ये भी लिख सकते हो जो है जूल डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा जूल के स्थान पर और कुछ भी हो सकता है, अर्ग हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, किलो जूल हो सकता है, किलो कैलोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जूल को जिस टर्म में भी आप ले सकते हो मतलब कोई से भी टर्म हो सकते हैं कुल मिलाकर। बस अंतर क्या होगा, जब अलग यूनिट आप लेते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी आगे,
समझ में, जूल के स्थान पे जैसे किलो जूल लेते हो तो आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, है ना? करना नोटिस पे देखो, देखना अब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी सी एम एम दो तरह के केस लेते हैं। देखिए एक तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दो केस यहाँ पर है। देखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है ना? देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसको हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सी एम इक्वल क्या है, सी एम इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी होता ही नहीं होता। देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी, बस अंदर क्या है कि डी क्यू यहाँ पर वह हीट है जो वन मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर डी टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। समझ में आ रहा है ना? देखो ये प्रोसेस कौन सा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। यानी देखो अपन ने क्लियर किया था पिछले क्लास में कि आइसोबेरिक प्रोसेस के दौरान किसी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हीट उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती होती नहीं होती। इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर डी क्यू एक्चुअली डेल्टा एच के बराबर होगा, डी क्यू एक्चुअली डेल्टा एच के बराबर होगा। तो देखो फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है ना, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या हो गया, डी क्यू इक्वल डी एच कर दो अभी। समझ में आ रहा है? तो देखो अब सी एम आइसोबेरिक प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो सी एम किस स्थान पर, तो मैं सी पी लिख देता हूँ, ठीक है ना, और डी क्यू किस स्थान पर, डी एच लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सी पी इक्वल देखो डेल एच अपॉन डेल टी, कंडीशन अप्लाई कर दे कौन सी, कॉन्स्टेंट प्रेशर की। तो देखो इसको अगर हम चेंज के फॉर्म में शो करें तो ये हो गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? तो देखो डेल्टा एच इक्वल क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल सी पी डेल्टा टी इक्वल सी पी टी टू माइनस टी वन। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये किसके, देखो मोलर हीट कैपेसिटी थी ना, मतलब ये एक मोल के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए आया, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल सब्सटेंस, वन मोल सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? अगर हमें एन मोल के लिए चाहिए तो वन मोल के लिए तो इतना है, एन मोल के लिए कितना हो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो डेल्टा एच इक्वल एन सी पी डेल्टा टी इक्वल एन सी पी टी टू माइनस टी वन। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए हो गया, ये एन मोल सब्सटेंस के लिए होगा। तो देखो ये होगा फॉर एन मोल सब्सटेंस, एन मोल सब्सटेंस। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो देखो यहां पर के, देखो अगर आपका हीट कैपेसिटी का डाटा दे रखा है, ये समझा किसी कंपाउंड के आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है, उसकी क्वांटिटी आपको दे दी, क्वांटिटी दे दी मतलब मोल निकल जाएगा। जैसे मान 9 ग्राम वाटर दे दिया, तो 9 ग्राम का मतलब 9 अपॉन 18 मतलब 0.5 मोल हो गया। तो देखो क्वांटिटी आपको दे रखी है, मतलब मोल दे रखा है, एक तरह से आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो आप बता सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर T1 से T2 करने पर एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। समझ में ना? ये कहा कि एक कंपाउंड के हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इतनी है, उसके 0. उसके 1 मोल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 27 डिग्री सेल्सियस करने पर, तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पर डिफरेंस, 25 से बढ़ाकर 27 डिग्री सेल्सियस करने पर हीट कैपेसिटी में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको वैल्यू तो रखनी है, वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट केस कौन सा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर कैसी होगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, सी एम इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर कंडीशन आइसोकोरिक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली है। तो देखो इन आइसोकोरिक, इन आइसोकोरिक प्रोसेस,
देखो अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा है हमने। आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान किसी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगी। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भाई डी क्यू इक्वल क्या होगा, डी क्यू इक्वल डी होगा। तो हम सी एम किस स्थान पे, तो सी वी लिख देते, डी क्यू किस स्थान पर डी लिख देते। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इक्वल डेल ई अपॉन डेल टी। कंडीशन कौन से अप्लाई कर दे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो ध्यान देना, डेल्टा ई इक्वल वही सी वी डेल्टा टी इक्वल सी वी टी टू माइनस टी वन। ये वन मोल के लिए होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, वन मोल के लिए। तो देखिए ये हो गया फॉर वन मोल सब्सटेंस, वन मोल सब्सटेंस। समझ में आ रहा है सबको। अब अगर एन मोल के लिए आपको चाहिए तो उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो डेल्टा ई इक्वल एन सी वी डेल्टा टी इक्वल एन सी वी टी टू माइनस टी वन, ठीक है ना। ये किसके लिए हो गया, अब एन मोल के लिए हो गया। तो देखो ये हो गया फॉर एन मोल सब्सटेंस, फॉर एन मोल सब्सटेंस। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। तो देखो न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। शीट्स में दे भी रखे प्रॉब्लम शीट जो आपको दिए, ठीक है ना, उनमें दे भी रखे 70 के न्यूमेरिकल, तो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, न्यूमेरिकल का तरीका क्या होगा आपको क्लियर कर ही चुका हूं। जैसे यहां से कैसे आएगा, देखो एक कंपाउंड जिसकी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी इतनी है, उसके 1.5 मोल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन क्या होगा, निकल जाएगा। आपको केवल वैल्यू तो रखनी है, समझ में आ रहा है ना। आप टेम्परेचर को 14 डिग्री सेल्सियस में रखो, 14 केल्विन में रखो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में दिया, तो आपकी मर्जी कन्वर्ट करो मत करो, क्योंकि डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना, आप किसी में भी काम में ले सकते हो, ठीक है। सीवी मोलर हीट कैपेसिटी है, आपको ध्यान देना इसको किस में काम में लेना है। जैसे अगर मान लो आप यहां पर वैल्यू रखते हो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आपने वैल्यू किस में रखी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो भाई ये आपको जूल में मिलेगा। अगर आप इसको कैलोरी में रखते हो तो ये आपको कैलोरी मिलेगा, आप इसको किलो जूल में रखते हो तो ये आपको किलो जूल में रखेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको वैल्यू किस में दिए और ऑप्शन किस में दे रखे, समझ में आ रहा है ना। अगर ऑप्शन में वो यूनिट नहीं दे रखी जो यहाँ पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी यूनिट को। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो देखो ये इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखो केल्विन इनवर्स तो इस केल्विन से कट जाएगा, टेम्परेचर के केल्विन हो गए, और मोल इनवर्स इस मोल से कट जाएगा। तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ध्यान देना सीवी की यूनिट क्या होगी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो ये टी टू माइनस टी वन की यूनिट हो गई जो है केल्विन, मोल ये एन की यूनिट हो गई मोल। तो भाई देखो आप इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो केवल जूल ही बता ना। तो कहने का मतलब यही कि अगर आपने हीट कैपेसिटी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में लिए, तो डेल्टा ई आपका जूल में मिलेगा, किलो जूल में लिए तो किलो जूल में मिलेगा, कैलोरी में लिए तो कैलोरी में मिलेगा। अब आपका सपोज करो वैल्यू तो दे रखी कैलोरी में, तो आपको तो सॉल्व करेगा तो कैलोरी में आंसर मिलेगा ना, लेकिन आंसर आपको वहां जूल में दे रखे, तो आप क्या करोगे उसको कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है क्या किसी को, है ना, करो देखो नोट इसको। देख क्वेश्चन दे रखा है फॉर हीलियम गैस, हीलियम गैस के लिए सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी दे रखी, 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आपको टेम्परेचर T1 दे रखा है 200 केल्विन, T2 दे रखा है 300 केल्विन, W दे रखा है 8 ग्राम और डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है। मतलब केस इस टाइप का है, हीलियम गैस के 8 ग्राम का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 300 डिग्री सेल्सियस करने पर उसकी एंथैल्पी में कितना चेंज होगा, यदि हीलियम की मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है। मतलब ये ऐसा केस हो गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना आप सॉल्व करके देखते इसको, देखो एंथैल्पी चेंज देखना है, डेल्टा एच इक्वल एन सी पी
T2 माइनस T1, समझ में आ रहा है। देखो n देख लो, पहले n इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अब एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, तो देखो वेट कितना है 8, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट हीलियम का है ना 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 मोल, समझ में आ रहा है। डेल्टा एच आपको चाहिए तो डेल्टा एच यहाँ पर हो गया 2, सी पी आपको दे रखी है, देखो ये 2 मोल सी पी आपको दे रखा है इंटू 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर देखो 300 केल्विन, 300 माइनस 200 केल्विन, केल्विन में देखो दोनों का डिफरेंस केल्विन में जाएगा। आप डिग्री सेल्सियस रखो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन यहाँ केल्विन लिख रखा है ना, ताकि केल्विन लिखो ठीक है, ताकि ये कट जाए। तो देखो इससे ये भी कट गया, तो क्या बचा डेल्टा एच इक्वल 2 × 20 × 100, ठीक है ना, क्या आएगा ये जूल आएगा, तो कितना हो जाएगा 4000 जूल, तो डेल्टा एच इक्वल 4000 जूल। अब देखो अगर आंसर आपको जूल में ही दे रखा है तो भाई आंसर यही होगा, लेकिन सपोज करो आंसर चेंज कर रखा है, ऑप्शन आपको अलग दे रखा है, अब ऑप्शन आपको दे रखे सपोज करो किलो जूल में, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में 100% आपको जूल मिलेगा तो किलो जूल भी मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज करना हो तो अगर आपको 4000 मिल गया 4 भी मिल गया ठीक है ना, और आपने इस चीज पर ध्यान नहीं, जैसे 4000 नहीं यहाँ पर कुछ दे दिया आपको, 3000 जूल दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया आपको 4 किलो जूल, अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए क्या है आपको यूनिट पर ध्यान देना है कि आंसर हो सकता है किलो जूल में दे दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट करो, कैलोरी में दे रखा है आप उसको कन्वर्ट करो, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो फिजिकल में तो फिक्स है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो यूनिट साथ में रखो, यूनिट आपको अपने आप ही बता देगी आपको करना क्या है, क्लियर है आपका, कोई डाउट है कि किसी को क्या 89 कर दिया सर, कहाँ पर नहीं, तो अगर इसको आपने 89 कर दिया तो पीछे तो फिर तो m बचा, m का फिर क्या मतलब, नहीं है m का मतलब मोल को अपन m से तो रिप्रेजेंट कर देने, अच्छा मान लो आपने इसको 89 ही मान लिया सुनो, तो फिर m का मतलब क्या है, मीटर है ना वेट दे रखा है मीटर में ना